टाटा की कार खरीदने में आपको 6 महीने कोई ईएमआई नहीं देनी है। सबसे बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं, क्या यह बात में पूरी सच्चाई है? डिटेल से समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले समझते हैं ये 6 महीने की जो ईएमआई नहीं देनी है इसका क्या मतलब है, ये सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिए। जो है वह क्या है पहले उससे समझिए। करूर वैश्य बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 6 महीने तक ईएमआई नहीं देनी है। इसके अलावा बाकी दुनिया के जितने भी बैंकों से आप लोन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोई आपको ईएमआई पहले महीने से ही देनी पड़ेगी। क्लियर? सिर्फ एक बैंक का है लेकिन हो हल्ला ऐसे जैसे कि ये हो हल्ला आया कहां से? ये हो हल्ला आया कमेंट सेक्शन में। मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे, टाटा की कार खरीद लो, 6 महीने तक ईएमआई नहीं देनी है, ये नहीं करना, बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं। मुझे मालूम था कि यह आईटी सेल की करामात है, वही लोग ये कमेंट बार बार पोस्ट कर रहे हैं और वही लोगों की फैलाई हुई यह अफवाह है। सच्चाई यह है कि केवल एक बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो ही ईएमआई नहीं देनी। तो अब दूसरी अफवाह पर जाते हैं जो उन्हीं कमेंट सेक्शन के थ्रू आई है, उसी आईटी सेल के थ्रू आई है। क्या इस समय सबसे बेस्ट ऑफर चल रहे हैं? पहले यह तो समझते हैं ऑफर क्या है। पहले बात करते हैं टियागो। भाई टियागो सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इस पर 15,000 रुपए का ऑफर चल रहा है, 10,000 का एक्सचेंज बोनस, टोटल 25,000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। कुछ कॉर्पोरेट ऑफर्स भी हैं, जैसे टाटा के एम्प्लॉय हैं तो 10,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा टाटा के एसोसिएट्स हैं तो 3,000 का, ट्रस्ट या टाटा ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड हैं आप तो 3,000 का। कुछ कॉर्पोरेट्स में आपको 3,000 से 5,000 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है और 5,000 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप कोविड फाइटर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं या कंपाउंडर्स हैं, नर्स हैं, तो आपको यह बेनिफिट मिल सकता है। और मेरी नज़र में यह बेनिफिट अच्छा बेनिफिट है, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की लगन को सलाम करने का, और मैं इसे तो अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन बाकी सारे जो हैं वह है, केवल टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के लिए दिए जाने वाले ऑफर हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं, और शायद उन आई टी सेल को मिलता हो। पर आम आदमी को क्या ऑफर है वह 25,000 रुपीज़ के हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आप बार्गेन कर सकते हैं, बार्गेन करके आप 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं लोअर वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक टियागो में। तो टोटल आप ये मान लें 25,000 का डिस्काउंट और 25,000-30,000 रुपए का अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का आप बेनिफिट उठा सकते हैं टियागो में मैक्सिमम। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में आप शायद 30,000 से 40,000 उठा सकते हैं। दूसरी कार के बारे में बात करते हैं, वह है हैरियर। हैरियर दो तरह से डिस्काउंट स्ट्रक्चर है उनका। पहला ये कि जो अगर आप ऑटोमेटिक खरीदते हैं या डार्क एडिशन खरीदते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, केवल आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा 40,000 रुपीज का। लेकिन अगर आप मैनुअल खरीदते हैं तो आपको 25,000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही आपको 40,000 का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेक्टर जो है वह मैनुअल में आती है इसलिए उस पर डिस्काउंट है, ऑटोमेटिक में नहीं आती है डीजल में तो उस पर डिस्काउंट नहीं है क्योंकि कंप्यूटर नहीं है कोई। सीधी सी बात तो यह है, यहां पर टोटल डिस्काउंट होते हैं 65,000 आम लोगों के लिए। लेकिन अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हैं तो 15,000 का डिस्काउंट, उनके ग्रुप के रिलेटेड हैं तो 5,000 के, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो कुछ खास कॉर्पोरेट के तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल सकता है, और कोविड फाइटर हैं तो 5,000 रुपये। यानी आम लोगों के लिए तो केवल 65,000 रुपये का है, वह भी मैनुअल में, और अधिकतर लोग मैनुअल ही खरीद रहे हैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। वजह यह कि ऑटोमेटिक काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, उसका टॉप वेरियंट लगभग ऑन रोड 24 लाख का पड़ रहा है कुछ शहरों में, दिल्ली में 23,06,000 रुपये का पड़ रहा है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरी नज़र में। तो इस पर आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं बार्गेन करके एक्स्ट्रा, ऑल 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आप आसानी से बार्गेन कर सकते हैं हैरियर के ऊपर। यह आपकी बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बार्गेन कर सकते हैं, तो कार डीलर्स ट्रैप नाम का एक वीडियो हमने बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहां से आपको तरीके मिल जाएंगे कैसे बार्गेन किया जाता है, कैसे पैसे बचाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्सॉन के बारे में। नेक्सॉन के ऊपर कोई ऑफिशियली डिस्काउंट नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है। वजह क्या है?
गाड़ी ऐसी अच्छी बिक रही है तो क्यों परेशान हुआ जाए, क्यों डिस्काउंट दे के अपनी जेब खाली की जाए। इसलिए टाटा ग्रुप इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयज़ को जरूर अपने 10,000 रुपये का बेनिफिट और कॉर्पोरेट कुछ एम्प्लॉयज़ को 3,000 का, और अगर आप कोविड हेल्थ वर्कर हैं तो आपको 3,000 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी नेक्सॉन पर केवल 3,000 मिलेगा, जबकि आप टियागो ले लोगे जो सस्ती है उस पर 5,000 का मिलेगा। वजह भैया ऐसे ही बिक रहा है तो जरूरत क्या, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हैं 15,000 से लेकर 45,000 रुपये तक बार्गेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस शहर में हैं और आप में बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या है। मल्टीपल डीलर्स जहां पर हैं, जैसे बड़े शहरों में जहां 6-6, 8-8 डीलर हैं, वहां पर आप ज़्यादा बार्गेन कर पाएंगे। छोटे शहरों में जहां एक ही डीलर है वहां आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे। वजह भाई आप उसको धौंस नहीं दे पाएंगे ना कि मैं बगल वाले दुकान से ले लूँगा, इसलिए वहां बार्गेन हो नहीं पाते हैं। और इसीलिए छोटे शहर वाले लोग अक्सर कहते हैं भाई मुझे तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। अब बात करते हैं टाटा की सेडान के बारे में। सेडान है टिगोर। टिगोर की सेल होती नहीं, सबसे अंडर एस्टिमेटेड कार मानी जाती है, जबकि मेरी नज़र में, कार गुरु की नज़र में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। टाटा ग्रुप की इतनी वैल्यू फॉर मनी कार कोई नहीं है पूरे टाटा में, ना हैरियर, ना नेक्सॉन, ना टियागो, ना अल्ट्रोस, कोई नहीं है इतनी वैल्यू फॉर मनी जितनी वैल्यू फॉर मनी यह कार है। इस पर ऑफर्स चल रहे हैं 20,000 रुपये के कंज्यूमर ऑफर, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, यानी टोटल 40,000 रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय हैं, वेंडर हैं, तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट, और भी अगर ग्रुप से रिलेटेड लोग हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड लोग हैं, तो 3,000 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, और हेल्थ वर्कर हैं तो आपको 5,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। और टाटा की तरफ से यही बेनिफिट बताए गए हैं टिगोर के ऊपर, लेकिन टिगोर के ऊपर बार्गेनिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं हैरियर जैसी बड़ी कार के मुकाबले भी, क्योंकि यह कार कम बिक रही है। उसकी वजह है डिजायर। डिजायर इतनी ज़्यादा बिक जाती है कि कोई टिगोर, एक्सेंट, एस्पायर और इन कारों की तरफ जाता ही नहीं है, और टिगोर इसीलिए दबके रह जाती है। तो टिगोर पर आप बार्गेन कर सकते हैं 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक, डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेन करते हैं। अल्ट्रोज के बारे में कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है टाटा की तरफ से, लेकिन जो हमारे पास खबर है वह ये कि अल्ट्रोज पर आपको 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जा रहा है। शहरों पर डिपेंड करता है, कुछ शहरों में मिल रहा है, कुछ पर नहीं मिल रहा है। आप बार्गेन भी वहाँ कर सकते हैं, 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आप बार्गेन कर सकते हैं अल्ट्रोज के ऊपर, डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेन करते हैं। अब पहले सवाल का जवाब जो आपने पूछा था कि क्या इस समय सचमुच बेस्ट ऑफर चल रहे हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरी नज़र में यह बेस्ट ऑफर बिल्कुल नहीं है। इससे ज़्यादा बेहतर ऑफर हम ऑलरेडी जून के शुरुआत में देख चुके थे, और जनवरी और दिसंबर में भी इससे बेहतर ऑफर हम देख चुके हैं। मेरा मानना है कि यह बेस्ट ऑफर बिल्कुल नहीं है। तो अब इन भड़काने वाले जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि बेस्ट डील चल रही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी नज़र में यह बेस्ट डील बिल्कुल नहीं है। अभी कंपनीज भी किसी भी कार पर कोई बेहतर डील नहीं दे रहे हैं, कोई और मैन्युफैक्चरर भी नहीं दे रहा है। तो मेरी नज़र में सब लोग वेट एंड वॉच पे लगे हैं, इस समय कंज्यूमर को एसेस कर रहे हैं कि कंज्यूमर की जेब से पैसे निकलते हैं या नहीं। कुछ कंपनीज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में बज बना रही हैं, जैसे हुंडई, उसने 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, टाटा इस साल कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पाया, कई कंपनीज नहीं लॉन्च कर पाई हैं, इवन फोर्ड ने एक केवल एंडेवर लॉन्च कर पाई है, आप होंडा ने अपनी सिटी लॉन्च कर पाई, WRV कह सकते हैं, VS6, बाकी तो कुछ भी नहीं आया। मारुति की तरफ से भी कोई ऐसा प्रोडक्ट इस साल नहीं आया है अभी तक, सिवाय एक ब्रेज़ा पेट्रोल को छोड़ दे। तो यही हालात है कि इस समय कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही हैं, तो बज नहीं है। यह बज बनाने के लिए ये सारे IT सेल के कारनामे हैं कमेंट में लिख लिख कर। क्या आपको रुकना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अगर कोई भी कार खरीदनी हो, चाहे टाटा ही नहीं, बाकी भी मैन्युफैक्चर की अगर आपको कार खरीदनी है, तो शायद सितंबर अक्टूबर मंथ सबसे अच्छी डील का रहेगा। अक्टूबर मंथ मुझे लगता है कि आपको अच्छी डील मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर सेल उस समय भी नहीं उठी तो ही दिसंबर में आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकेंगे।
अगर आप टाटा की भी कोई कार खरीदना चाहते हैं तो बार्गेनिंग का रास्ता अपनाइए, बाकी कंपनीज की कार खरीदना चाहते हैं तो भी बार्गेन का रास्ता अपनाइए, इसके अलावा आप डिस्काउंट नहीं पाएंगे। या फिर रुक जाइए, दिवाली के वक्त का वेट कीजिए, क्या पता आपकी किस्मत आपका साथ दे दे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? नॉर्मली मैं एक कंपनी के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इस तरह के वीडियो पेड स्पॉन्सर्ड लोग बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। लेकिन इस बार मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि इतना कंफ्यूज कर दिया था इन आईटी सेल वालों ने कमेंट में टाटा के गुणगान करने में, कि मुझे कुछ जेन्युइन कस्टमर्स को बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं बताऊं कि क्या असलियत है इन कमेंट्स की। उम्मीद है अब आईटी सेल के झांसे को आप समझ सकेंगे। अगर नहीं जानते हैं या आईटी सेल कैसे काम करता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, वह आपको डिटेल में समझा सकेगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए, आपको अगर सही डील दिलाने में इससे मदद मिली है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।